हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। जो वो इतना सा होता है जिससे हम चार्ज कर लेते हैं, पावर है। अरे सच्ची तुम तो एकदम कमाल हो। ये देखिए वेदर इतना सुंदर है आज, बाय गॉड बारिश आने वाली है शायद। आप देख सकते हैं बादल, कितने बादल घिर के आए हैं। शायद बारिश आएगी, थोड़ी मोड़ी बारिश तो 3 जून से ही हो रही है। इनफैक्ट 2 जून से हर रोज़ ही थोड़े थोड़े शावर्स फील हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर बारिश नहीं हुई है। आज लग रहा है कि बहुत बारिश आएगी। लुक एट दिस। और मैं बनाऊंगी भजिए। वी आर वेटिंग, 3-4 दिन से मन हो रहा है, बट वी आर वेटिंग कि जिस दिन बारिश लगेगी। वाह, हाँ आई वाज सेइंग जिस दिन बारिश आएगी ना उस दिन हम भजिए खाएंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी रही है। यस शर्मा जी, बारिश शुरू हो चुकी है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पहले ही जा चुकी है। क्या आपको पता है दुनिया भर की स्किन प्रॉब्लम में से एक्ने का जो समस्या है वो वन ऑफ द बिगेस्ट है। और एक्ने तो फिर भी आप कुछ करके ठीक कर ही लेंगे, लेकिन एक्ने जो जाते जाते मार्क्स छोड़ जाते हैं वो प्रॉब्लम आई बिलीव उससे भी बड़ी है। बिकॉज कुछ भी कर लें वो मार्क्स जाते ही नहीं। और सिर्फ एक्ने ही नहीं, ब्लेमिशेस के मार्क्स और आपके फेस पे इधर उधर के जो स्कार्स वगैरह हो जाते हैं वो हम सबके लिए ही एक नाइटमेयर से कम नहीं है व्हेन इट कम्स टू अ फ्लॉलेस स्किन। तो आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दीज 2 मैजिकल प्रोडक्ट्स दैट वर्क्स लाइक वंडर ऑन योर स्किन व्हेन इट कम्स टू एक्ने स्कार्स। आपके स्किन की कोई भी समस्या हो, लेकिन रेमेडी शुरू होती है फेस वॉश से। बिकॉज फेस वॉश जब आप करते हैं तो आप एक्चुअली आपके फेस को क्लेंज करते हैं। एंड व्हाई क्लेंजिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके फेस से एक्स्ट्रा डर्ट, ग्राइम, ऑयल को तो निकालती ही है, साथ ही साथ आप जो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके डीप पेनिट्रेशन को इन योर स्किन एंश्योर भी करता है। और मेरे पास है डर्माको का AHA BHA फोमिंग क्लेंजर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन बाय डर्माटोलॉजिस्ट है, तो ये आपके स्किन के लिए ऐसे ही बेस्ट सुटेड है। बिकॉज डर्माटोलॉजिस्ट आर एक्सपीरियंस्ड पीपल हु नोज एवरीथिंग अबाउट योर स्किन। और दूसरा ये कि इट हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड इन इट। जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ये आपके स्किन के लिए एक बहुत अच्छे एक्सफोलिएंट का काम करता है। ग्लाइकोलिक एसिड वाटर सॉल्युबल होता है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ AHA इन दिस क्लेंजर। एंड सैलिसिलिक एसिड डीपली पेनिट्रेट्स इन टू योर स्किन, वो अंदर से आपके स्किन को क्लीन करता है। एंड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ BHA इन दिस फोमिंग क्लेंजर। दिस क्लेंजर इज परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स बट इज बेस्ट सुटेड टू एक्ने प्रोन स्किन। दिस क्लेंजर इज वेरी जेंटल ऑन योर स्किन और मार्केट में मिलने वाले दूसरे कॉस्मेटिक फेस वॉशेस से कहीं ज़्यादा इफेक्टिवली आपके स्किन को क्लीन करता है। तो ये तो हो गया किसी भी स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप, क्लेंजिंग। एंड व्हाई क्लेंजिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन। Now comes the treatment plan. Here I introduce 10% niacinamide serum. ये आपके फेस पे जितने भी मार्क्स वगैरह है ना, स्कार्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं और ब्लेमिशेस के मार्क्स हैं ना, उन सबको दूर करने में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। दिस फार्मूला इज डिजाइन बाय डर्माटोलॉजिस्ट। नियासिनामाइड इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3 एंड दिस सीरम आल्सो हैज जिंक। विटामिन B3 एंड जिंक टुगेदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्ने आने की प्रक्रिया को स्लो डाउन करते हैं, आपके एक्ने मार्क्स पे काम करते हैं, दे फेड देम डाउन और आपका जो स्किन टेक्सचर है इसको इवन आउट करने में हेल्प करते हैं। फेस को अच्छे से क्लेंज करने के बाद आपको ये सीरम आपके फेस पे इस्तेमाल करना है एट नाइट टाइम। और अच्छी तरह से फेस और यू नो गर्दन पे इसको मसाज कर लीजिए। ध्यान रखिएगा फेस आपका गीला नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से सुखा लीजिए, देन ओनली अप्लाई दिस सीरम। नियासिनामाइड इज केमिकली प्रूवन टू प्रिवेंट एक्ने और आपके लार्ज पोर्स को रेगुलेट करने में भी आपकी हेल्प करता है। नियासिनामाइड सीरम आपके स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से तो बचाता ही है, साथ ही साथ इट हेल्प्स योर स्किन टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कॉलेजन एंड हाइलुरोनिक एसिड। दीज प्रोडक्ट्स आर डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड आर SLS एंड पैराबेंस फ्री। अगर आप इन प्रोडक्ट्स खरीदने का मन बना चुके हैं तो सभी बाइंग लिंक्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो आपके लिए रहेगा मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड जिसे मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसे देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट।
और ये देखिए मैंने भजिया बनाने की थोड़ी तैयारी की है। यहाँ पे मैंने थोड़े से मिर्चे काटे हैं। ये मिर्चे बहुत तीखे नहीं हैं इसलिए ज़्यादा हैं, आपके पास तीखा मिर्चा है तो कम काटिएगा। और ये लिया है मैंने यहाँ पे प्याज, और थोड़े से आलू को मैंने इस तरह से काट लिया है। ये फिंगर स्टाइल है लेकिन ये फिंगर जितने थिक नहीं है, मैं आपको हाथ में लेकर दिखाती हूँ, आपको आइडिया लगेगा। ये इतने पतले पतले स्टिक जैसे काटे हैं मैंने, तो यानी कि प्याज और आलू ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया है अभी। और पकौड़े है तो चटनी भी बनेगा, तो ये थोड़ा धनिया मैंने साफ करके रख दिया है, भिगो के रख दिया है, इसे थोड़ी देर में मैं पीसूंगी। एंड आई एम श्योर पकौड़े के बाद चाय की याद आएगी, तो उधर थोड़ा दूध रखा है, लेट मी शो यू। ये देखिए दूध भी मैंने फ्रिज में से निकाल के रख लिया है, ये सैनिटाइज करके रखा था, अब मैं इसको वापस एक बार फिर से धोकर मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि सैनिटाइजर फिर हाथ में आके फिर दूध में फ्लेवर कर देगा ना। तो अभी मैंने इसको बाहर निकाल लिया, अभी मैं ये पहले दूध बॉयल होने रखूँगी, पैरेलली चटनी और पकौड़े बनाऊँगी। हम लोग चटनी और पकौड़े खा लेंगे, तब तक दूध उबल जाएगा, तो आकर चाय बनाऊँगी, ये है मेरा प्लान। पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एक बोल में मैंने सारी सब्जियां जो भी काटी थी ना वो इकट्ठी कर ली हैं, और अभी इसको मसाला करना शुरू करेंगे। और यह है थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट, बहुत थोड़ा सा है, दो कलियां लिया था मैंने और उसको कूट लिया है। ये मैं पकौड़ों में डालती हूँ, मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है और मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, पर पकौड़ों में गार्लिक डाला नहीं जाता, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसे डालना चाहें कि ना डालना चाहें, आपका जैसा प्लान हो उस तरह से कीजिए। मैं ये डालती हूँ, और जब पकौड़ों में आलू होता है ना तो कभी एक बार ट्राई कीजिएगा, गार्लिक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा गार्लिक यहाँ डाल दिया है मैंने, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चावल का आटा, इससे आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और इसके बाद बेसन, कभी कभी बेसन बहुत फाइन होता है, जो मेरे घर बेसन आता है ये भी बहुत फाइन है, इसलिए चावल का आटा मिलाने से ना थोड़ा क्रिस्पीनेस आती है। थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ऑप्शनल है पर थोड़ा अच्छा कलर आता है इससे। और मुझे लगा बोल बहुत छोटा है इसलिए मैंने इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक और बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैं। और जब आप पकौड़े बनाते हैं ना, ध्यान दिया कीजिए कि बेसन बहुत ज़्यादा ना हो, बस उतना जितना सब्जियाँ अच्छी तरह से कोट हो जाएं। बहुत ज़्यादा बेसन होगा तो आपके पकौड़े बहुत डेंस बनेंगे और उसमें फिर स्वाद कम आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से ना मिक्स कीजिए, पहले जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही पानी डालें, पहले से पानी ना डालें, और अभी से कम 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब बैटर को आप रेस्ट करा देते हैं ना, उसके बाद बहुत अच्छे और लाइट एंड क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक मैं हरी चटनी बनाऊंगी। ब्लेंडिंग जार में मैंने ले लिया है थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा जीरा, थोड़ा सौंफ, ये सारी चीज़ें आप आपके टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से मिर्चें ले लें। और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के पहले ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा पीस लूँगी। मैंने यहाँ थोड़ा नमक डाला है और थोड़ा ही अभी धनिया डाला है, ये पूरा धनिया नहीं है, पहले मैं ये बैच एक बार पीस लेती हूँ। और इसके बाद मैं जो बचा हुआ धनिया है ना ये भी ऐड कर दूँगी। धनिया देखने में बहुत ज़्यादा होता है पर जब आप उसको चटनी करते हैं ना वो बहुत कम हो जाता है, और शुरू में आप आपके ब्लेंडिंग जार में सारा धनिया डाल देंगे ना तो वो बहुत क्राउडेड हो जाता है और ढंग से पिसता नहीं है, इसलिए ऐसे थोड़ा बैचेस में कर करके पीसिएगा तो अच्छा बनता है। और फिर लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नींबू, एक नींबू का रस इसमें जाएगा और बहुत अच्छी आपकी चटनी तैयार है। फ़िलहाल मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, और अभी बाकी है इसमें काला नमक डालना भी। और चटनी में पहले जो नमक डाला था मैंने कम डाला था, क्योंकि इसमें काला नमक जाता है और काला नमक से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मुझे याद है एक फ्रेंड ने कहा था कि दीदी मैं जब भी ये बनाती हूँ हरी चटनी तो या तो वो कड़वी हो जाती है या बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो देखिए इसके है ना 2-3 वजहें हो सकती हैं। पहला तो ये कि जो चटनी है ना इसमें जितनी भी चीज़ें डलती हैं ना उसको आपको बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना है, हमेशा इसे रुक रुक के आपको पीसना है, बहुत ज़्यादा चटनी को गर्म मत कर लीजिए। और दूसरा चटनी ख़राब इसलिए हो सकती है क्योंकि ये जो ब्लेंडिंग जार्स होते हैं ना इनके अंदर अंदर कभी कभी बहुत गंदगी छुपी रहती है, तो वो गंदगी सफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना पीछे का बेकार इतना सा बेकार खाना भी आपके आगे के पूरे खाने को ख़राब कर सकता है। इसीलिए हमेशा इनको धोने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप जैसे मैं अभी चटनी बना रही हूँ ना, तो चटनी बनते ही मैं इसे निकाल दूंगी एंड देन थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसे अभी मिक्सी कर दूंगी, तो अंदर ब्लेड्स में जो भी चटनी फंसी होगी वो तुरंत निकल आएगी। तो इस तरह आप क्लीन किया कीजिए आपके ब्लेंडिंग जार्स को हमेशा इस्तेमाल के तुरंत बाद।
बस मैं इसे एक बार और थोड़ा सा विस्क कर लेती हूँ। और चटनी अच्छी तरह से पिस के तैयार हो चुकी है। चटनी को मैं अभी ट्रांसफ़र करूँगी एक ग्लास बोल में, क्योंकि मुझे ये स्टोर करनी है। और ये देखिए चटनी हो गया है रेडी। एक और काम आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे मैंने इसे छुआ है ना, ऐसे छू के देखिए आपका चटनी गर्म है ना, तो इसे ढक्कन मत लगाइए, इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर आने दीजिए और उसके बाद फिर ढक्कन लगा के आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये कई दिन तक अच्छी रहती है और बहुत अच्छी चटनी बनी है, इसकी कंसिस्टेंसी मस्त है। शर्मा जी तो खुश हो जाएंगे। एक्चुअली शर्मा जी मेरे घर में सबसे बड़े चटनी एडमायरर हैं। चटनी को प्रेफरेबली एक कांच के बर्तन में ही स्टोर किया कीजिए। ये देखिए वो जार जिसमें मैंने चटनी बनाया था, गौर से देखिए पूरा ये मैंने साफ कर दिया है इसी वक्त, क्योंकि इसमें इस वक्त कुछ भी सूखा और चिपका हुआ नहीं है ना, इसी वक्त साफ कर देने से इसमें एफर्ट भी सबसे कम लगते हैं और ये क्लीन भी एकदम हो जाता है। देखिए जार इज क्लीन। ऑल्सो ये जो ढक्कन होता है ना, इसका गैसकेट हमेशा खोल कर साफ किया कीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ गंदगी फंस जाती है और इस सबके यहाँ जहाँ भी एक क्रेविसेस होते हैं ना, वहाँ सब खाना फंस जाता है। तो ऑलवेज यू गाइज मेक श्योर कि आप इन्हें खोल कर साफ करें, तो इससे आपका कुछ भी खाना फिर बेकार नहीं होगा। तो फिलहाल तो मैं इसे सुखाने रख रही हूँ और चटनी रखूँगी फ्रिज में। और यहाँ देखिए ये जो आपका मिक्सचर था बेसन वाला, ये हो गया रेडी अच्छी तरह से रेस्ट करके। अब इसमें फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिल्कुल चुटकी भर खाने वाला सोडा डाला है मैंने इसमें, बेकिंग सोडा, और सोडे के ऊपर ही दो चम्मच, मतलब ये घर के चम्मच है ना, अदरवाइज़ आप इसे एक टेबल स्पून गिन सकते हैं, गरम तेल डालिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा और तुरंत पकौड़े बनाना शुरू कीजिए। ये दो तीन टिप्स एंड ट्रिक्स आप ध्यान में रखिएगा जब अगली बार आप पकौड़े बनाएं। यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स, कितने क्रिस्पी एंड टेस्टी एट द वेरी सेम टाइम आपके पकौड़े बनेंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स। तो अभी मैं ये जो पकौड़े हैं इनको फ्राई करना शुरू करूँगी। पकौड़े आप छोटे या बड़े आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हैं, बस ध्यान आपको ये देना है कि ये अच्छे से कुक हो जाए। एकदम फास्ट फ्लेम पे फटाफट मत इन्हें कुक कर लिया कीजिए, थोड़ा स्लो थोड़ा मीडियम थोड़ा फास्ट ऐसे कर करके थोड़ा टाइम देकर पकौड़ों को लाल कीजिए, अंदर तक सिक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये पकौड़े। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे ये याद आ रहे हैं कि कितने यम्मी पकौड़े बने थे, मुझे फिर से लालच आ रहा है इन्हें खाने का। अभी तो आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो बारिश के हैं और भजिए पकौड़े गुलगुले का जो दौर है वो तो चलता ही रहेगा मोर फ्रीक्वेंटली। अभी ये इन दिनों बनते हैं और खाए भी जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। एंड आई टेल यू, बारिश में पकौड़े खाने का हेल्थ वाइज भी इम्पॉर्टेंस है। तो आप दिल खोल के पकौड़े बनाइए, अच्छे तेल का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे इन्ग्रीडियंट से बनाइए पकौड़े, उतने भी बेकार नहीं है हमारी हेल्थ के लिए जितने कि वो बदनाम है। एंड लुक एट दीज पकौड़े यार, कितने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत क्रिस्पी बहुत टेस्टी। बस इसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल करके ऐसे ही खा सकते हो। मैं तो अभी सारे पकौड़े आज इकट्ठे ही बना रही हूँ, क्योंकि शर्मा जी बोल रहे थे इकट्ठे ही खाएंगे और मैं अभी चाट मसाला नहीं इस पर डाल रही हूँ। हम लोग तो इसे चटनी दही केचप बहुत सारी चीज़ें मिला के मैं रखने वाली हूँ, उसके साथ खाएंगे। ऐसे ही करके एक एक करके मैं सारे के सारे पकौड़े भी बना लूँगी। जब आप पकौड़े बनाते हैं ना, तो पकौड़े निकालने के बाद भी तेल में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ये वाले दिखते रहते हैं ना, तो इन्हें भी तुरंत रिमूव करते रहा कीजिए, वरना क्या होता है तेल में पड़े पड़े ये ओवर कुक हो जाते हैं और फिर एक जली सी स्मेल आपके किचन में और आपके पकौड़ों में आ जाती है। ये है दही चटनी और केचप पकौड़े के साथ खाने के लिए मैंने तैयार किया है, बहुत यम्मी कॉम्बिनेशन है ये। नीचे भी बैठा हुआ खा ही रहा है वो, पता है कुछ है उसके पास। देखा देखा रे मैंगो पार्टी। हाँ अरे इधर में भी है, बारिश हो रही है।
कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पे भी एक बैठा हुआ है, पलक उधर है, इसके पलक उधर है, वहीं है देख। और एक और छोटू सा बैठा हुआ है, ये आम खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। हाउ क्यूट। ये नीचे था वो भी ऊपर चला गया। ऊपर कहीं तो मैंगो पार्टी हो रही है बहुत। अरे अरे वो नीचे वाला दिखाओ सारा, वो ऐसे पलटी पलटी कर रहा है, गुलाटी कर रहा है, गुलाटी मार रहा है। हाँ ये बिल्कुल खुश है, बारिश है नहा के। Not like वो चल नहीं पा रहा, is it? नहीं नहीं वो मस्ती कर रहा है वो। लेकिन ऊपर वाला कहाँ गया, वो कहाँ से आम खा रहा है? नीचे आ गया। पकौड़ा बनाना खाना हो गया, यहाँ पे दूध भी जो है बॉयल हो चुका है और सारे बर्तन मैंने धो भी डाले हैं। ये देखिए सिर्फ ये एक कढ़ाई जो है ये अभी नहीं धोया, क्योंकि मैं पहले ना चाय पीऊँगी, चाय का मन हो रहा है, तो पहले चाय और बाकी काम मैं थोड़ी देर बात करूँगी। एज ऑफ नाउ मैं चाय की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और ये तवा के लिए मुझे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं कि ये तवा कौन से ब्रांड का है। एक्चुअली गाइस ये ब्रांड तो है निर्लॉन, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए ये अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें यहाँ देखिए आप छोटा सा स्क्रैच भी आ गया है, मैं खुद भी इसे बदलना चाह रही हूँ। एक तो ये नॉनस्टिक है और नॉनस्टिक भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका ब्रांड या लिंक वगैरह नहीं देती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह का कोई सस्ता सा सामान खरीदें और फिर आप उससे ना खुश हो जाएं और फिर आपको लगे कि दी ने हमको नॉट सो गुड वाला प्रोडक्ट रेकमेंड कर दिया। ये बहुत सस्ते थे, 800 रुपए के तीन थे, तब मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं था कि क्या क्या चेक करना चाहिए बिफोर यू बाय अ बर्तन, तो मैंने यू नो इकोनॉमी के चक्कर में आके ये खरीद लिया और मेरा तीनों ही कुछ भी काम नहीं आया सच। ये भी थोड़े दिन में ख़राब ही हो जाएगा, और अभी तक भी वैसे तो ये मैंने खरीदा था लास्ट ईयर, डेढ़ साल जैसा इसको हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आपको लगता है कि अभी तक इतना अच्छा है। मेरे पास 3-4 तवा हैं, इसको मैं सिर्फ डोसा टाइप्स कुछ बनाना होता है या उत्तपम टाइप्स तो ही इस्तेमाल करती हूँ। एंड इट इज़ नॉट वेरी गुड, इट्स ऑफ दिस थिंग इज़ वेरी शैलो क्वालिटी। मैं अगर कोई अच्छा तवा खरीदती हूँ नियर फ्यूचर में ना, तो मैं फिर उसके बारे में आपको बताऊँगी अगर वो अच्छा निकलता है तो। दिस वन आप खरीदना चाहते हैं तो आपके रिस्क पे खरीदिएगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, ये बहुत ही यू नो सस्ता क्वालिटी है। और चाय मेरी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी, और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये दोनों ही रेसिपीज़ मस्ट ट्राई हैं, आपको बहुत पसंद आएगी, डू गिव देम अ ट्राई। और जल्दी ही मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।